थैंक यू सो मच. नहीं सर तो बोलिए, गाने के बारे में बोलोगे फिल्म के बारे में? पहले गाने के बारे में. गाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था जिसमें फारूक भाई ने हार्ट एंड सोल डाला हुआ था, और जिस तरह से पिक्चराइज किया है, इनसे कभी कभी प्रेरणा मिलती है कि यंगस्टर इतना अच्छा काम करते हैं, और इतना अच्छा राशिद भाई ने म्यूज़िक दिया है तो ये इतना ही अच्छा काम करते रहे, और ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने हमें मिलते हैं. बाकी अभी मैं बोलूँगा गैंग्स ऑफ बरेली के बारे में. ये फारूक भाई का वेंचर है, मैं चाहता हूँ कि ये बहुत सफल हो, अच्छा बने, और इंडस्ट्री को ऐसा नया टैलेंट मिले जो बाहर से आया है. तो नई टेक्नोलॉजी भी आएगी, नई एक थीम भी आएगी, क्योंकि आपने गाने में देखा होगा इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया है. अगर हम करते थोड़ा अलग करते, इन्होंने थोड़ा अलग किया है. तो यही नयापन है जो मुझे उम्मीद है कि फिल्म में भी देखने को मिलेगा. और जैसे राज में राशिद भाई ने म्यूज़िक दिया था, उससे भी अच्छा म्यूज़िक इसमें दे और सारे सक्सेस के झंडे गाड़ दे. बस ऊपर वाले से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है. थैंक यू वेरी मच. आप राशिद बोलो. सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, हर एक मीडिया से आप लोग जो आए हैं, आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ मैं. और इतना प्यार आपने दिया है, और म्यूज़िक वीडियो को लेकर यही है कि मैं नहीं जानता था कि इतना प्यार मिलेगा. और मैं जी म्यूज़िक कंपनी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हमारे गाने को, हमारे म्यूज़िक को, राशिद भाई के थ्रू, माशाल्लाह. और यही है कि इस गाने से हम सब सीखें कि एक दूसरे का साथ दें, कि कब वक्त बदल जाए ज़िंदगी में, कि हम किसी को ये ना सोचें कि उसका पैर नहीं है तो उसको छोड़ दें. कब वो अपनी ज़िंदगी बचा सकता है, ये कभी भी वक्त चेंज हो सकता है. तो आई थिंक इस वीडियो से यही मेरा सबको कहना है कि प्लीज़ आप एक दूसरे की मदद करें. कोविड ने बहुत कुछ सिखाया हमको कि ज़िंदगी का कितना इम्पोर्टेंस है, हमारी फैमिली कितनी इम्पोर्टेंस है. इससे हमको सीखना है, कोविड से उसको भूलना नहीं है कि हमारे इंडिया में क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ. एक बहुत बड़ा लेसन है, और ये ऐसे इंस्पायर्ड स्टोरीज़ होती है जिसे हम पिक्चराइज करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि उससे हम कुछ सीखें और वो गलतियाँ ना करें, और हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार एक दूसरे के लिए सपोर्ट करके बढ़े. ताकि जैसे कोविड में काफ़ी लोग सुबह उठे ही नहीं, उनके पास सब कुछ था, नाम, शौहरत, दौलत सब थी, लेकिन कोई काम नहीं आया, ना उनकी फैमिली वाले, ना कुछ. तो यही है कि आप लोग प्लीज़ इस गाने से इसको बहुत दुनिया में फैलाएं, और ताकि ये बहुत हिट हो, इससे सबक सीखें, इंशाल्लाह सबको मैसेज मिले. यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से. एक सेकंड, फिर से मैं सॉरी मिस कर दिया. मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से पढ़ा हूँ एज अ फिल्म मेकर, तो प्रोड्यूसिंग और डायरेक्टिंग ही मेरे उसमें था, बहुत मेरे फॉर्म में थी किसी की स्टोरी को अच्छे से बनाना. तो मुझे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले यहाँ पर आने के बाद कि यार आप क्यों एक चांस एक्टिंग करो, कुछ करो. ये रोल थोड़ा सूट किया मुझ पर, एंड आई फील लाइक आई कैन पुल इट ऑफ इंशाल्लाह, अगर आप लोग की दुआएं, आपसे की मोहब्बत होगी. तो ये गैंग्स ऑफ बरेली दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया, जिसे हमारे प्रोड्यूसर और सर ने जिस तरह से मुझे यहाँ पर यू नो इनका हाथ मेरे पर है, अभिषेक सर का, तो फिर वाई नॉट. तो बॉलीवुड में आप लोग सबसे मैं हाथ जोड़ कर यही चाहूँगा कि मुझे एक्सेप्ट करें और मोहब्बत दें, प्यार दें, एंड आई विल डू माई बेस्ट फॉर द गुड फिल्म इंशाल्लाह. ये पूरी स्टोरी तो रिवील नहीं करूँगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी. और ये सिर्फ नाम की गैंग है, लेकिन हर कंट्रीज़ के अंदर कुछ ना कुछ गैंग वॉर्स होते हैं, लेकिन उसमें भी इमोशंस होते हैं. हर एक गैंगस्टर के पीछे कोई लव स्टोरी होती है. इसमें बहुत अच्छा एक इमोशन टच है गैंग्स ऑफ बरेली के अंदर, वो आप लोग इंशाल्लाह अभी रिवील होता जाएगा धीरे धीरे जिस तरह प्रोडक्शन स्टार्ट होगा हमारा. सर स्टोरी की बात करें तो आप काफ़ी फाइट हो, तो देख पाएंगे आप इस तरह का होने वाला तैयारी किस तरह की आपने?
बस अब तैयारी है। इसमें रियल फाइट्स ज़्यादा होगी, इसमें फिक्शंस नहीं है, VFX नहीं है। जी हाँ, ये इंस्पायर्ड एक मेरे दोस्त के साथ ही हुई है कहानी, जो न्यूयॉर्क में हुई थी, तो उसके ऊपर मैंने स्क्रिप्ट को मैंने लिखी। इसकी बहुत अच्छी स्टोरी मैंने उसके ऊपर इंस्पिरेशन किए, जो गैंग्स की वहाँ पे थी, तो उसकी मैंने इसको बरेली के अंदर मॉडिफाइड किया है। शूट कहाँ कहाँ होने वाला है, लोकेशन की अगर आप बता? US और बरेली मोस्टली यहाँ पर शूट होगा। जी हाँ। और कब तक शुरू हो जाएगा? होगी शूट, आज से शुरू हो गई। आज से शुरू हो गई, ब्लेसिंग्स मिल गई है सर से। जी अर्जित भाई, म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बताइए आप लोगों को कैसा लगा? हमने तो मतलब मेरा गाना है तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताइए कैसा लगा गाना आपको? बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ आप लोग अच्छा लिखिए और शेयर करिए सबको, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को। जिस बहुत अच्छा लग रहा, हर गाना देखकर अच्छा लगता है। फारूक भाई ने बहुत मेहनत की है इस गाने को बनाने में, दिल से मेहनत हुई है इस गाने में, दिमाग से नहीं, तो ये दिल तक पहुंचना चाहिए, ऐसी कोशिश है हमारी। जैसा फारूक जी, शूट की अगर हम बात करें गाने की, तो काफी शॉर्ट से इसके अंदर वो थोड़ा सा अगर आप बता सके, काफी ऐसा लग रहा है एक्सपेंसिव वीडियो है, कुछ कहना चाहिए? हाँ, एक्सपेंसिव तो है, लेकिन किसी के ड्रीम के आगे पैसा नहीं होता। और हाँ, और दूसरा कि जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा था, मैं जो हमारे एक्टर हैं उनकी हर मजबूरी को मैं समझा कि हमारी मजबूरी है, कि उसको किस तरह इसको एक चैलेंजेस को लेके जाना, तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। उनके साथ उनको आइस पे वॉक करवाना, हमारा पूरा दिन उसमें जा रहा था, तो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। बट एंड रिजल्ट में जब हम देखते हैं उनके चेहरे पर खुशी, तो वो उसका मान्य बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सबको, बताते हैं बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो हम लोगों ने गाना देखा, बहुत प्यारा गाना था। सुना फारूक साहब ने मतलब बहुत ही अच्छा डायरेक्शन दिया। राशिद जी जो मेरे भतीजे हैं, बहुत ही प्यारे भतीजे हैं, बहुत ही अच्छा लिखा, और सारे कलाकारों ने भी उसमें बहुत अच्छा काम किया। अब जो इनकी गैंग ऑफ बरेली जो फिल्म बनने जा रही है, तो मैं फारूक भाई को अभी से बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ। जैसी इनकी पर्सनैलिटी है, फिल्म भी वैसी प्यारी बनेगी, और मुझे उम्मीद है, खास करके मैं वसीम भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैंने पहली मरतबा था इतनी बड़ी फौज देखी है, आज तक कभी इतनी बड़ी मीडिया नहीं देखी, तो मैं मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप लोग, वाकई में मुझे लगा कि इतना बड़ा परिवार है वसीम साहब का हम लोगों का। तो सबसे पहले तो आप लोग भी बधाई के पात्र हैं कि आप लोग आए अपना कीमती समय लेके और हमारे बीच आज हैं आप, और बहुत बहुत आप लोगों का भी धन्यवाद। और अब मैं दो शब्द मेरी बहन जी को बोलूँगा, जरा बोलिए। बहुत बढ़िया लगा। मैं तो खैर 4:30 बजे बहन जी से पूछिए कैसा लग रहा है। रिलीजन का एक ही धर्म है, मानविकता, ह्यूमैनिटी, जो इन्होंने, फारूक जी ने अपने इस एल्बम में इस गीत के जरिए दिखाया है, और मुझे लगेगा कि इसको देखकर लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि प्यार मोहब्बत के सिवा, इन्होंने कहा ना कि कोरोना ने सिखा दिया बहुत कुछ, कि पैसे काम नहीं आते हैं, एक दूसरे का साथ देना, इस तरह का कॉन्सेप्ट लोग ज़रूर लें, इसको देख के लोग आगे भी ऐसा काम करते रहें। और इनकी जो आने वाली फिल्म, इसके लिए बहुत बहुत गैंग ऑफ बरेली, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी लोग इस फिल्म में जुड़े हुए हैं और इस एल्बम में जुड़े हुए थे, राशिद भाई, इरफान जी, सभी को मेरी शुभकामनाएं, और खास करके इनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ब्यूटीफुल लगा, ब्यूटीफुल सिनेमाटोग्राफी, ब्यूटीफुल शॉट्स, ब्यूटीफुल वॉइस, एवरीथिंग इज अमेजिंग, आई जस्ट लव इट। सबसे ज़्यादा जो सोच इसके पीछे जो सोच थी, जिस सोच के साथ ही बनाया गया है, ब्यूटीफुल, मतलब मज़ा आ गया, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं तो मतलब क्या बोलूँ, इतना अच्छा आपके सोच के साथ आपने बनाया ये, और हम आपको इसमें, मैं तो बस गैंग ऑफ बरेली
का वेट कर रही हूँ देखने के लिए आपको. जी बिल्कुल देखूंगी मैं. नहीं मैं देखूंगी एज एन ऑडियंस, बाकी तो पता नहीं आगे ओपन है अभी भी. आगे क्या होता है जरूर जरूर. अगर फारूक जी ने रोल ऑफर किया तो आप करेंगे सुनील? हाँ जी क्यों नहीं करेंगे. मीठी रोल होना चाहिए. डेफिनेटली मैं हाँ ज्योति पटेल. मैं डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी फारूक जी को एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फीचर फिल्म. और ये बहुत अच्छा गाना है. वेरी गुड लिरिक्स एंड सिंगर की आवाज़ भी बहुत अच्छी है. कंपोजर एंड डेफिनेटली प्रोड्यूसर डायरेक्टर एवरीथिंग द एंटायर टीम इज़ रियली गुड. और जो थॉट उन्होंने पकड़ा था दैट वॉज रियली डिफरेंट एंड वेरी गुड. अभी बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना इस पेंडेमिक के बाद. तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट एवरी वंस हार्ट. सो डेफिनेटली आई लाइक इट एंड लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा एंड मिलियंस व्यू होगा फॉर श्योर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. म्यूज़िक वीडियो दिल से बनाया गया है ये तो साफ नज़र आ रहा था. फारूक भाई के एफर्ट्स, उनकी टीम के एफर्ट्स, इतनी खूबसूरत लोकेशन, इतनी खूबसूरत परफॉर्म, अच्छा म्यूज़िक जो वीडियो के अलावा सुन भी सकते हैं. तो मुझे सबसे पहले तो अच्छा लगा वीडियो. तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ पूरी टीम को देता हूँ, फारूक भाई को, इरफान जिन्होंने गाया, राशिद मेरे दोस्त, उन्होंने अच्छा म्यूज़िक दिया. कुल मिला के एक अच्छा कान को सुनने वाला अच्छा ऑडियो और एक अच्छा आँखों को खूबसूरत लगने वाला वीडियो है. सबसे पहले तो सभी को सलाम मेरा और गुड इवनिंग यहाँ पे फारूक भाई सभी को. और बात कहूँगा म्यूज़िक वीडियो की तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे पर्सनली. और ये बड़ी दिल से वो जो कहा सर ने कि जो दिल से बनी हुई चीज़ होती है वो हमेशा सभी को अच्छी लगती है. और अगर मैं भी होता तो मैं बहुत खुशनसीब होता कि मैं फारूक सर के साथ काम कर रहा हूँ. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली. और बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को और ये गाना खतरनाक ऊंचाई छुए. डिस्को बहुत अच्छा कर रही है मेरे ख्याल से. 10-12 फिल्में आप बना चुके हैं, उसमें से ये एक ऐसी फिल्म है जो तीसरे चौथा दिन है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है और हीरो का आपका स्टार बनी है. ऐसा कुछ कहना चाहोगे देहाती डिस्को के लिए? देहाती डिस्को के लिए मैं एज एन डायरेक्टर इससे पहले REC में था, इंडस्ट्री में, मैं कन्फर्म हो चुका हूँ. क्योंकि फिल्म नोटिस हो गई, सब लोगों ने प्यार दिया, तो मालिक का शुक्रिया अदा करूँगा कि सारी टीम की मेहनत को सराहा. और अच्छा सिनेमा जब भी आए तो लोग सबको ही सराहे, मैं तो सबकी दुआ करता हूँ. और देहाती डिस्को मेरे लिए टर्निंग पॉइंट रहा है. अब एनर्जी और आ गई है और ज़्यादा मेहनत करने का मन कर रहा है. तो बस मालिक हमको ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट दे और हम मेहनत करेंगे. हम मुझे लेके बना रहे हैं फारूक भाई के साथ बिल्कुल लेके जाएंगे जी. जवाबदारी और बढ़ गई है जी. कहते हैं जब जवाबदारी का बोझ कंधों पर पड़ता है तो अक्सर बचपन याद आ जाता है. हाँ तो नहीं नहीं बिल्कुल बढ़िए, बिल्कुल बढ़िए. और वो बचपना लेके ही चल रहा हूँ मैं अभी तक. मैं चाहता हूँ आगे भी ऐसे ही बचपना लेके चलता रहूँ क्योंकि जितना बोझ होगा उतना आगे बढ़ूँगा, उतने मन और लगन से काम करूँगा मैं लाइफ में. आपके करियर में गणेश जी का कितना योगदान है और मनोज जी का कितना योगदान है? बहुत ही खतरनाक, बहुत सपोर्ट किया मुझे और आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा ही इन लोगों की वजह से हूँ क्योंकि ये लोग ने मेरा इतना सपोर्ट बच्चे जैसा रखा है और बढ़ाया है. पर अभी मैं सिर्फ म्यूज़िक वीडियो के बारे में बोलूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त है. और मैं अभी वो बोल रहा हूँ कि जो बोला ना आपने कि अगर आप इसमें होते तो क्यों, मैं अभी मेरे मन में वो बात आई कि मैंने इतना डांस किया है देहाती डिस्को में, मेरा एक ख्वाहिश है कि ऐसा गाना मिले कि मैं भी कुछ ऐसा एक्टिंग मतलब करूँ, मैं डांस को थोड़ा छोड़ के, वरना हर टाइम मैं डांस ही डांस करता हूँ. तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ऐसे भी गाने आए मेरे पास. बिल्कुल बस कंगना यहाँ होती माइक ले ली थी लोगों ने. वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू ऑल. थैंक यू यार. और फारूक जी ने जो डायरेक्ट किया है और उसमें एक खूबसूरत मैसेज दिया है जिससे हम सब लोगों को सीखना चाहिए. और मोहम्मद इरफान जी की जो आवाज़ है वो तो हम सब दीवाने हैं. और राशिद भाई ने बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है और गाना बहुत खूबसूरत है, मज़ेदार, मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरे को फारूक जी का बहुत अच्छा लगा गाना, मैं फर्स्ट टाइम मिला. पर आई रियली थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. आगे हम लोग डेफिनेटली वर्क टुगेदर. गॉड ब्लेस यू.
आगे यही प्लान है, बहुत सी फिल्म लाए बॉलीवुड में और आप लोग का सपोर्ट चाहिए और अब गैंग्स ऑफ बरेली को आप लोग सपोर्ट करें, प्यार करें, इसके बेस्ट एंड फाइट्स आती रहेगी, इसकी तैयारी कैसे होगी वो देखेंगे, इसमें कुछ हॉलीवुड एक्शंस को कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ मैं। और इसीलिए राशिद भाई को ही क्योंकि उनकी मेलोडीज आपको पता है कैसी है, इसीलिए गैंग्स ऑफ बरेली में उन्हीं को मैंने म्यूजिक डायरेक्टर रखा है राशिद भाई को, ताकि बहुत अच्छे अच्छे गाने वो दें, जैसे राज थ्री हेट स्टोरी में उन्होंने दिया है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जल्द हम लोग साथ में काम करेंगे और मैं तो ये गाना देखकर दीवाना हो गया हूँ। और ये फिल्म की बात करें तो पोस्टर से ही कितनी खूबसूरत और एक्शन फिल्म लग रही है, तो मैं एक्साइटेड हूँ उनके साथ काम करने के लिए अगले प्रोजेक्ट में। मैं भी तो दादा दोनों करूँ,